जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डाल लो भैया टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर, मैं लिखता हूं इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रेट। ओके हाँ हाँ बोल बेटा। हाँ ठीक है तो जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है तो इसकी जो रेट होगी वो बराबर होगी के और आर नॉट, क्योंकि रिएक्टेंट की पावर जीरो है इसलिए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? ओ भाई क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनना, इसके तीन फॉर्मूले, अगर आप कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हो तो आपको ये फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। इसकी डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं। और टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय टू के, ये तीन फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल निकालने के काम आएंगे, ग्राफ खींचने के काम आएंगे। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव कर रहे हो सिर्फ, तो आपको इन तीन फॉर्मूलों में ही ज्यादा महारत होनी चाहिए। और अगर ट्वेल्थ भी कर रहे हो साथ में, नीट के साथ साथ या जेई के साथ साथ, तो आपको डेरिवेशन भी आ जाए तो बहुत बढ़िया। क्लियर? तो पहले इतना कॉपी कर लो और इतना कॉपी हो जाए तो बता दे। इतना कॉपी हो जाए तो बता दो। हो गया क्या? अब ध्यान से देखना, अब हम इसको, ये फॉर्मूले आप बॉक्स में बंद कर लो और आपको लर्न रखने एमसीक्यू करने हैं। तो अब वापस से शुरू कर रहा हूं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो हम रिएक्टेंट को कैसे लिखते हैं? पहले एक माइनस साइन लगाते हैं, फिर डी लगाते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं आर और नीचे लिखते हैं डी टी और इज इक्वल टू के आर नॉट, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी? जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट की पावर भी जीरो। अब जीरो का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के। क्लियर? देखो अब हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को एक्सचेंज किया, ठीक है, इस फॉर्मूले में आर को हटा दिया। तो अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये है टी टाइम पर, माइनस डी आर टी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन भी इधर ले गए, माइनस के डी टी, डी टी को इधर ले गए और मल्टीप्लाई कर। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। सी यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आगे देखना, एट टाइम जीरो
टाइम कितना है? जीरो। मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर दो में पुट कर दें तो इस आरटी को रिप्लेस कर देंगे आर नॉट से, माइनस के इंटू जीरो क्योंकि टाइम जीरो है, और प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी बराबर हो गया आर नॉट की। इस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर दो में सब्सिट्यूट कर दें। जब हम इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आर नॉट, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर तीन। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, केटी को इधर लाएं तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और आरटी को इधर लाएं तो प्लस माइनस में बदल, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी केटी आर नॉट माइनस आरटी। इसको रीअरेंज करके लिख लिया तो हो जाएगी के आर नॉट माइनस आरटी डिवाइडेड बाय टी। ये वही इक्वेशन है जो हमने इनिशियली लिखी। अगर आप याद नहीं करोगे तो इतनी डेरिवेशन के बाद आएगी। अब जो बच्चा इतना याद कर सकता है वो इक्वेशन भी याद कर सकता है। अब कॉम्पिटिटिव में हमें यहां पर एक बात और याद रखनी पड़ी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इनिशियल और फाइनल का मतलब दोनों का अंतर क्या हुआ? x, और x यहां पर क्या है? अमाउंट डिकम्पोज। जितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया है, जितना अमाउंट डिकम्पोज हो गया है वो यहां है। अब हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को टी हाफ से दिखा देते, मतलब टाइम के नीचे हाफ लगा देते। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जैसे ये पेन 3 फुट का है तो जितने टाइम में ये पेन 1.5 फुट का रह जाएगा उस टाइम को क्या कहेंगे? हाफ लाइफ। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर है और हमने 5 महीने में 5 चैप्टर कर लिए, तो हाफ लाइफ क्या होगी? 5 महीने। जितने भी टाइम में कोई आधा रह जाए उसको क्या कहेंगे? तो हाफ लाइफ में क्या होगा? जो आरटी है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो हमेशा आर नॉट का क्या हो जाएगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आर नॉट का आधा होगा। किसका होगा? इसको हम इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। तो देखो टाइम को मैं यहां ले गया और टी हाफ से रिप्लेस कर दी, आर नॉट की जगह आर नॉट ही आएगा लेकिन आर टी की जगह आ जाएगा आर नॉट बाय 2 और नीचे क्या आ जाएगा के आर नॉट में से अगर हम आर नॉट बाय 2 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा? तो ये हमारा हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2 के, और ये फाइनल इक्वेशन। फटाफट यहां तक आप दौड़ते भागते चले आओ। यहां तक दौड़ते भागते चले आओ। कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा हो तो बता। ये वाला पार्ट लिख लिया है क्या?
अरे ये वाला पार्ट लिख लिया है क्या? ओ भाई लोगों सो गए क्या? विशाल विशाल भैया विशाल आरव तन्मय बेटा बोल तो दिया करो बीच बीच है। बढ़ेगा बेटा अभी अब हम यहां से ग्राफ खींचेंगे और पहला ग्राफ खींचेंगे रेट और के में, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। क्या जीरो ऑर्डर की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती? तो रेट में और के, रेट में और आर नॉट में अगर हम रिलेशन खींचेंगे तो कैसी लाइन आएगी, कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अगला हम ग्राफ जो खींचेंगे वो इक्वेशन नंबर 3 से खींचने वाले। ये टी टाइम पे कंसंट्रेशन है माइनस केटी प्लस और ये आर नॉट। ये वाई एक्सिस पे लिया जाएगा, ये माइनस एम एक्स है और ये प्लस सी है। सी यहां पर इंटरसेप्ट है तो बताओ इंटरसेप्ट कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्योंकि यहां पर प्लस साइन है इसलिए पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ ऊपर से स्लो शुरू होगा। यहां पर हमने टाइम लिया है और स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि जो फर्स्ट ऑर्डर में रेट लॉग खींचा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के आरटी के साथ में लॉग या एलएन जरूर होगा और केवल आरटी लिखा हुआ है तो वो कौन सा ऑर्डर है? वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर। क्लियर? अब देखना आखिरी ग्राफ हम इस इक्वेशन नंबर 5 से खींचेंगे, उस इक्वेशन नंबर 5 से। जब हमने उस इक्वेशन नंबर 5 में देखा तो देखो हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल कंसंट्रेशन के। किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी बताओ भैया?
अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर हाफ लाइफ बढ़ रही है तो बताओ वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, कौन से ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की? तन्मय। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। जब भी कहीं ये लाइन लिखी मिल जाए कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर हाफ लाइफ बढ़ गई तो ऑर्डर क्या होगा? तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? जीरो ऑर्डर। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है क्या? अब देखना, जीरो ऑर्डर की यूनिट ऑफ के निकालने का जनरल फॉर्मूला ये है, जो क्वेश्चन आज भी पूछा था, इसमें एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो ये क्वेश्चन ये हो जाएगी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके बराबर है? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आज पढ़ाने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस ऑर्डर का, किस रेट की यूनिट क्या होती है? जीरो ऑर्डर के की यूनिट रेट के इक्वल होगी, रेट के इक्वल होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि किस ऑर्डर की यूनिट रेट की यूनिट के इक्वल होगी। तो कोई बता सकता है किस ऑर्डर की यूनिट रेट की यूनिट के इक्वल होगी? जीरो ऑर्डर। क्लियर? कोई डाउट इतने पार्ट में? हम यहां पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया हुआ है, एग्जाम में आने की हिम्मत रखता है। उसने कहा कि हमने ये ग्राफ खींचा और किस में खींचा? आर नॉट और टी में, और ग्राफ ऐसा आया। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो देखो, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का होता तो यहां पर ln या log जरूर होता। क्या होता? ln या फिर log जरूर होता। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर। और इसका स्लोप देखो कितना है, क्या है? माइनस के। तो स्लोप कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये कौन से ऑर्डर की यूनिट है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसका यूनिट क्या होता? इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चा कहता है मुझे कैसे पता लगे कि किस ऑर्डर का ग्राफ। क्लियर? अगर मैंने इसमें ln लगा दिया होता तो अब ये किस ऑर्डर का बन गया? अब ये फर्स्ट ऑर्डर का है। किसका है? ये है फर्स्ट ऑर्डर का। तो जीरो की जगह तो क्या कर देंगे? फर्स्ट ऑर्डर। स्लोप यही रहेगा। और फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है?
क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट? अरे बोलो भाई क्या होती है यार, बोलते ही नहीं हो तुम, ऐसा लगता है दही जमा के आते हो, घर वालों ने दही खिला दिया है, बेटा मुंह मत खोलियो नहीं तो मुंह से दही निकल जाएगा पढ़ाते। अरे यार जो पढ़ा दिया वही तो पूछ रहे हैं कि कोई नई चीज पूछ रहे हैं। क्यों? अरे बताओ तो सही, कोई नई चीज पूछ ली है क्या? तो फिर यार बोलने में भी तुम तो इतना शर्माते हो और वैसे भी इतना बोलते हो कि बस घर वाले परेशान कि नहीं है। तो भैया बोलना सीखो, इस बुढ़ापे में भी बोलना नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? कोई स्पेशल क्लास लगवाई जाए? है बेटा अरब भाई बोलने की कहे तो मम्मी से कह दो भाई बच्चे को एक बोले कैसे इसकी क्लास अरेंज करा दो। है नहीं मम्मी कहेगी वैसे ही बोलने से परेशान है पक्का। आप लिखो जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल, आएगा एग्जाम्पल? तो जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल क्या होते हैं हम वो पढ़ लेते। एक सेकेंड, बड़े अब आए इसके एग्जाम्पल की बात, किसके एग्जाम्पल कौन कौन से? तो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, देखना ध्यान से एग्जाम्पल। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को मेटल के सरफेस पर ब्रेक करें, अगर किसी भी रिएक्टेंट को मेटल के सरफेस पे ब्रेक करें या जोड़ें और प्रेशर कैसा हो, हाई प्रेशर, तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। किस ऑर्डर की? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। कोई डाउट? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चल रही है वो ये है, हमने इसको प्लेटिनियम और गोल्ड के सरफेस पे तोड़ा, इसको ब्रेक करने से हाफ एन टू बन गई प्लस 3/2 H2 बन गई। हाँ 3/2 H2 बन गई, तो ये जीरो ऑर्डर की अमोनिया का मेटल की सरफेस पे डिकम्पोजिशन हाई प्रेशर पर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की। लेकिन अगर उसने लो प्रेशर दे दिया तो ध्यान रखना ये एमसीक्यू और नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसने इसी कंडीशन में लो प्रेशर लिख दिया तो फिर ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। अगर कोई 12th का पेपर दे रहा है तो जरूरत नहीं। क्लियर?
ट्वेल्थ का पेपर दे रहा है तो जरूरत है। अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये H2Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में 2HCl में कन्वर्ट हो जाता। ज्यादातर लाइट वाली रिएक्शन, जिन भी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, वो मोस्टली रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती। क्लियर क्लियर है? हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो जीरो ऑर्डर से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट। देख क्वेश्चन ये है कि अमोनिया डिकम्पोजिशन, अमोनिया का डिकम्पोजिशन ये हुआ, उसने हमें लिख रखा है कि अमोनिया मेटल के सरफेस पर, प्लेटिनियम के सरफेस पर डिकम्पोज हो रही है, और ये एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के रेट बताओ। तो देखो प्लेटिनियम के सरफेस पे ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर से हमें दूसरी बात पता लग जाएगी कि, और इसका उसने के दे रखा है, उसने इसका के दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴। तो जीरो ऑर्डर से हमें पता लग गया कि रेट किसके बराबर होती है, ठीक है ना। फिर हमने शुरू में एक इक्वेशन पढ़ाई थी, और वो इक्वेशन क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/mol इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब वो हमसे इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की रेट पूछ रहा है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन तो किसके इक्वल होगी, किसके, तो के की वैल्यू को मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पर रख लिया। अब बताओ नाइट्रोजन के कितने मोल है, कितने मोल है? तो कुछ बच्चे यहां हाफ की बजाय क्या करते हैं, ऐसे हाफ लिख लेते हैं, नहीं क्लियर। तो हमें मिल जाएगी रेट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो बताओ ये रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। सॉरी रेट ऑफ नाइट्रोजन है ये, क्योंकि हमने हाफ मोल लिया, तो कितनी आ गई रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो रेट ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन इज 1.25 × 10⁻¹। अब हम हाइड्रोजन का निकालते हैं, तो 2.5 × 10⁻⁴ तो रेट हो गई। बताओ इस हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, और ये हो जाएगी रेट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो बताओ हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की रेट क्या होगी, रेट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, 3, तो कितनी, तो ये 3.75 आएगी। तो जिनके भी 2.5 आ रही है एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते, मल्टीप्लाई करना इस उम्र में मैं सिखा नहीं सकता, आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी। क्लियर है? ये हमारा जीरो ऑर्डर खत्म हो गया। ये हमारा जीरो ऑर्डर खत्म हो गया।
क्लियर। जीरो ऑर्डर में कोई डाउट है तो पूछ सकते। कोई डाउट है? तुम लोगों की क्लास मॉर्निंग में ही है ना 10 बजे तक सबकी? तो 10 बजे के बाद हम क्लास ले सकते हैं ना? ठीक है ना। तो कल हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाएंगे, आज हमने फर्स्ट जीरो ऑर्डर पूरा कर दिया, क्लियर। और हम सैटरडे के बाद फिर 14th को पढ़ाएंगे, है ना? 14th को आएंगे ना, तो 14th से क्लास लेंगे ना। कल आखिरी क्लास है तो मैं फर्स्ट ऑर्डर पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है? ओके भाई। ये ले पेस, ये ले पेस। ठीक है ना, ये उनके घर की चाबी है।